नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पर देखेंगे इस लौकी से चार तरीके का स्वीट चार स्टेप में बनते हुए। तो बस इसके लिए मैं ली हूँ यहाँ पे 1 केजी लौकी, जो हरी ताजी कच्ची लौकी है, बिना बीज वाली। तो इसे मैं अच्छी तरह छिलका उतार के धो के और फिर से कद्दूकस करूँगी। बस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे छिलका उतार ली हूँ अच्छी तरह धो के। अब मैं इसे कद्दूकस करने वाली हूँ। इसके लौकी के बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं, इसलिए मैं इसका कोई जूस वगैरह नहीं निकालूंगी। घिसने के बाद डायरेक्ट मैं इसे पका दूंगी दूध के साथ। 1 किलो लौकी के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 2 लीटर दूध, जो पहले से पका के गाढ़ा कर ली हूँ। यहाँ देखिए आप, लौकी कितनी कच्ची है, बिल्कुल बीज नहीं है इसमें, बस ऐसी ही लौकी लेनी है, जिससे बहुत ही टेस्टी स्वीट बनने वाला है। ये मैं घिस के यहाँ पे रख ली हूँ। अब मैं इसे दूध में डाल के अच्छे से इसे पकाऊंगी। यहाँ पे दूध ये गाढ़ा हो चुका है, 1 लीटर दूध हो गया है, ये 2 लीटर था तो अभी ये गाढ़ा हो गया है। बस इसमें मैं अब लौकी डाल दी हूँ अच्छे से। 15 मिनट लगेंगे इसे मीडियम गैस करके। आप बीच बीच में चलाते रहें और ये पकता रहेगा, आप साथ में दूसरा काम भी कर सकते हैं। ये लौकी अच्छे से जब गल जाए, 10-15 मिनट में अच्छी तरह ये लौकी गल जाएगी इसमें, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे मैश होना शुरू हो गया है। इसी टाइम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 केजी चीनी डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 बाउल चीनी डाल रही हूँ, जो 1/2 केजी चीनी है। तो बस चीनी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से कलछी लेके मैश करते हुए चलाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए बिल्कुल। बस यहाँ पे ये अच्छी तरह मैश हो जाएगा, फिर ये खीर, पहला स्टेप जो है इसका, खीर बनके रेडी हो गया है। पहले स्टेप में ये खीर तैयार हो गया है। बस अब इसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डालें, उसे खीर की तरह सर्व करें। और दूसरे स्टेप में मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ हलवा। इसके लिए मैं एक मोटे तले की कढ़ाई ली हूँ, जिसमें मैं इस खीर को डाल करके भूनूंगी, जो बिल्कुल हलवा की तरह टेस्ट आने वाला है, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा ये भी। तो बस इसे मैं इसमें डाल दूंगी कढ़ाई में और इसे भूनूंगी। 2-4-5 मिनट भूनने के बाद ही ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा। इसे आप अच्छे से कलछी से मैश करके इसे चलाएं। देखिए ये हलवा तैयार होने लगा है। 2-4 मिनट बाद ही आपको पता लग जाएगा ये हलवा रेडी हो गया है। इस टाइम आप इसे कर सकते हैं हलवा की तरह। तो बस ये हलवा रेडी हो गया है, आप इसे सर्व कीजिए। हलवा तैयार होने के बाद इसका तीसरा स्टेप मैं बनाऊंगी बर्फी। 5 मिनट और पकाऊंगी, बस ये बर्फी की तरह जमने के लिए तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ ये कैसे जमने के लिए हो गया, पेस्ट दार सा दिख रहा है। इस टाइम आप गैस बंद करके प्लेट में बर्फी की तरह फैला के काट सकते हैं, या इस टाइम आप इसका पेड़ा का भी शेप दे सकते हैं अच्छे से मैश करके। मैं गैस बंद करने के बाद इसे चौथे स्टेप में जाऊंगी। बर्फी के लिए आप यहीं पे इसे काट के प्लेट में फैला के अच्छे से काट लें, हो जाएगा मनपसंद बर्फी, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये बर्फी भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दार, इस टाइम भी आप पेड़ा बना सकते हैं इसका, लेकिन जब इसमें 10 मिनट और इसे मसल के आप पेड़ा तैयार करेंगे,
पेड़े का टेस्ट आपको बिल्कुल मथुरा वाले पेड़े का स्वाद देगा, जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इसके लिए मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल लूँ। अब मैं इसे अच्छे से मस लूँगी, लकड़ी से या किसी कलछी से, लकड़ी का एक मैसर होता है उससे, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हाथों से। फिर ये चौथा स्टेप में ये पेड़ा बनने जा रहा है। इसमें मैं 1 चम्मच हरी इलायची कूट के डाली हूँ। तो बस इसे इसी टाइम मसलना है अच्छे से। आप पहले देखे होंगे इसका कलर थोड़ा डार्क दिखा होगा, अभी धीरे धीरे ये जितना मसलेंगे उतना इसका कलर लाइट कलर आ जाएगा। ये इसको मसलने से आपको पता लग जाएगा ये कितना लाइट होते जा रहा है। इसी टाइम आप मसलते हुए देखिए, चौथे स्टेप में ये पेड़ा अब तैयार होने वाला है। तो हमारी ये चार तरह की, चार स्टेप में बनी स्वीट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन अगला वीडियो का मिल सके आपको। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। बस देखिए यहाँ पे ये तैयार हो गया। इसे मैं एक कुटनी है उससे भी अभी अच्छे से मैश करके, दबा दबा करके मैश करूँगी। बिल्कुल इसमें दाना कुछ भी नहीं रहे, आटे के जैसा बिल्कुल ये पेस्ट दिखने लगे। तो बस देखिए यहाँ पे ये मैं अच्छे से मसल ली हूँ। अब मैं इसे गोल गोल लड्डू की तरह गोल करने के बाद मैं इसमें अंगूठे से दबा दूंगी। इसे आप शेप ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितना साइज चाहिए। मैं एक लड्डू के जितना गोल गोल ली हूँ और उसे अंगूठे से ऐसे दबा के देख लीजिए ये कितना चिकना और बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है। तो आपको देखने से पता लग गया होगा कि ये पेड़ा कितना स्वादिष्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली ये स्वीट है। इसे आप खाएंगे तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना है ये, बिल्कुल आप मुंह में डालेंगे और घुल जाएगा। तो यहीं तक आज की ये रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।